मुलगा आणि मुलीमध्ये भेद ही पुरातन गोष्ट झाली आहे। आता मात्र शासन स्तरावर आणि जवळजवळ सर्वच समाजात मुला आणि मुलींचा भेद आता संपुष्टात आला आहे। याचाच प्रत्यय पाचोरा येथील सिंधी कॉलनी भागातील अजय इलेक्ट्रॉनिक्सचे संचालक घनश्याम वरलानी यांची मुलगी कुमारी प्रिया हिच्या विवाह प्रसंगी आला। हिचे लग्न अकोला येथे होणार होते। त्याआधी मुलीकडे मेहंदीची रसम केली जाते। या मेहंदी रसमच्या दिवशी घनश्याम वरलानी व वरलानी परिवाराने चक्क घोड्याच्या बग्गीतून आपल्या मुलीची मिरवणूक संपूर्ण सिंधी कॉलनीतून काढली। किंबहुना या मिरवणुकीत त्यांचे वडील घनश्याम वरलानी, आई अनिता वरलानी, निरंकारी महात्मा मनोहरलालजी वरलानी, अशोक कुमार वरलानी, सिंधी समाजाचे मुखिया गुलाबभाऊ पंजवानी, सुदर्शन शामनानी, जीतू नागरानी, देवानंद पंजवानी, तसेच अनेक सिंधी बांधव व वरलानी कुटुंबीय मोठ्या संख्येने सहभागी होते। या प्रसंगी उपस्थित सिंधी बांधवांच्या वतीने प्रतिक्रिया देताना सांगितले, बोल सद्गुरु माता सुदीक्षा सर्विंद्र हरदेव जी महाराज की जय। देते हुए बहुत खुशी हो रही है कि लड़के और लड़के में कोई भेद नहीं, हम लड़की की भी बारात वैसी धूमधाम से निकाल रहे, क्योंकि जिसने भेजा वही पालता है। ये संदेश देना चाहते हैं कि लड़की को संसार में लाओ और खुशियां पाओ, इससे बड़ी खुशियां संसार में और कोई नहीं। संत निरंकारी मंडल के तरफ से यही कहता हूं कि हर करता ये आपे निरंकार है, इसलिए सभी ने लड़कियों को पढ़ाना है, आगे लाना है और जन्म देना है। ये पालने वाला निरंकार बैठा है, इसकी अरदास करके यही लड़की और खुशियां करते जाना है। कोई भेद नहीं है, सब लड़की और लड़के में कोई भेद नहीं, इसीलिए हम भाई के साथ मिलकर, भाई की लड़की है इसके साथ धूमधाम से निकाल रहे बारात, क्योंकि लड़के और लड़के में कोई भेद नहीं। इसलिए हम सबको ये संदेश देना चाहते हैं संसार को कि लड़की बचाओ, लड़की पढ़ाओ और देश को आगे लाओ। वैसे तो हमारे सिंधी समाज में लड़के और लड़की का जो भेद है ये काफ़ी समय से रहा ही नहीं है और कोई करते भी नहीं है भेद। हमारे समाज में जो कन्या होती है उसको न्याणी नाम से जाना जाता है, और उसका मैं आपको रीज़न बताता हूँ। उसका स्थान जो है पूजनीय और वंदनीय है न्याणी का। वो क्यों? तो जो भी होता है शादी ब्याह या भंडारा, जो भी अच्छे कार्यक्रम होते हैं, तो उसमें पहला भोग या पहली थाली जो होती है वो न्याणी के लिए निकाली जाती है, मतलब कन्या के लिए, और उसे किसी के पैर तक छूने नहीं दिया जाता है। ये हमारे समाज में ही है सिर्फ, बाकी के समाज में कैसा होता है कि उनको पैर वगैरह माँ बाप के तब उनको परमिशन होती है, लेकिन हमारे समाज में ये तक अनुमति नहीं है। वो बेटी ब्याहने के बाद अपने ससुराल जाकर वहाँ के लोगों के पैर छूती है, लेकिन ज़िंदगी भर यहाँ के तो पैर नहीं छूती है। और अभी इससे भी आगे जा कर के जो ये घनश्याम दास वरलानी है, अजय इलेक्ट्रिकल शिवाजी नगर पाचोरा, इनके संचालक, इन्होंने लड़की की एक बग्घी में बारात निकालकर जो बचा कुचा भेद था उसे भी खत्म कर दिया। एक समाज के सामने उन्होंने आदर्श प्रस्थापित किया हुआ है और उसकी काफ़ी प्रशंसा भी हो रही है अपने समाज में। तो हम सभी उनके साथ हैं, और ऐसी जो प्रथाएं हैं वो हमारे सिंधी समाज में पहले से ही नहीं थी, लेकिन अभी भी जो है उन्होंने वो भी भेद खत्म कर दिया। इस वजह से उनको मैं सुदर्शन शामनानी भी उन्हें शुभेच्छा देता हूँ।